कुछ भारद्वाज जी, पिछले करीब एक सप्ते से एक सोशल मीडिया पे एक मामला चल रहा है। पंकज गुप्ता हैं कोई, जो 5 रुपए में कोई थाली खाना वाना देते हैं। तो आप अपने शहर के गणमान्य लोगों में से हैं, आप सीनियर अधिवक्ता भी हैं, तो ये क्या मामला है, क्या कुछ आपको पता है इसके बारे में? कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली है कि कुछ वीडियोस भी हमने देखे हैं कि पुलिसकर्मी जो है वो उनको लेकर जा रहे हैं। और उसके बाद एक सप्ताह हो गया, इस पर हमने भी, हमारी भी जिज्ञासा हुई शहर के नागरिक होने के नाते, कि हम पता करें कि भी क्या विषय क्या नहीं है। लेकिन हमें ना तो इसमें कोई FIR की जानकारी मिल पाई और ना ही कोई शिकायत पक्ष सामने नजर आया। अच्छा जी। नहीं तो सुनने में आया कि भाई मैडम ने बच्चियों से शिकायत दिलवाई है या पेरेंट्स ने शिकायत दी है, कुछ इस बारे में पता चला आपको कुछ? नहीं, हम भी उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं कि भाई कोई तो शिकायत करने वाला है, अभिभावक गण आए, उनके को पेरेंट्स जो है बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं विद्यालय के अंदर, उन बच्चों के कोई बच्चे सामने आए, कोई तो कुछ आए सामने, लेकिन अभी तक जो हमारी जानकारी कोई ऐसा सामने कोई आया। पंकज गुप्ता को आप जानते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? हमें इतनी जानकारी है कि पंकज गुप्ता जी एक NGO चलाते हैं देवदूत फूड के नाम से, और हम भी कई बार जो है वहाँ पर, हमारे बच्चे का जन्मदिन भी होता है या कोई खुशी का अगर मौका होता है तो वहाँ पर वो 5 रुपए के अंदर और भरपेट भोजन वहाँ जो लोग आते हैं उनको खिलाते हैं। बस हमारी इतना ही है कि भाई वो एक समाज के अंदर जिन लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है उनको 5 रुपए के अंदर भोजन उपलब्ध कराते हैं, और जो वृद्ध लोग हैं, जो जानकारी है कि जिनके माता पिता, उनके बच्चे ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं, नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं, वो अपने माता पिता को भोजन नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ पर भी पंकज गुप्ता जी की जो फरिश्ते अपना देवदूत फूड बैंक है, इनके माध्यम से उनको भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अभी हमने पंकज गुप्ता से बात करने की कोशिश की, लगातार फ़ोन बन जा रहा है, तो क्या वो डर के इधर उधर हो गए हैं या उन्होंने पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्या जानकारी कुछ है आपके पास उस बारे? देखिए, इसके बारे में हमारे को कोई जानकारी है नहीं। इतना जरूर है कि वो कल उनको पुलिस ने बुलाया था, उसके बाद से कोई जानकारी नहीं, क्योंकि हमने देखा है एक CCTV फुटेज में पुलिस उनको खुद लेके जा रही है, तो क्या उसके बाद में उनका पता है? नहीं, उसके बाद तो वो दिखाई वहीं पर ही थे, जो बता रहे हैं लोग वहीं पर थे। अच्छा, हाँ, कल शाम से वो नहीं मिल पा रहे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अभी इस सारे पूरे मामले में हमने पंकज गुप्ता से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका लगातार स्विच ऑफ जा रहा है, तो उनके साथ काम करने वाले हैं भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, ये बताएंगे इनका मतलब ये पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर वर्मा है। सुंदर वर्मा जी, क्या मामला है, क्या आरोप लग रहे हैं पंकज गुप्ता के ऊपर? मैं सुची, क्रिकेट प्लेयर और ट्रेनर, मैं आ रही हूँ रवि शर्मा जी की क्रिकेट अकेडमी, सीडी क्रिकेट अकेडमी, सीडी इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 71 गुड़गांव में 7 दिन का कैंप लेने। आइए ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए और कैंप अटेंड कीजिए, थैंक यू। देखो जी, जो सत्य पे काम करता है, सत्य की राह पे चलता है और समाज के लिए ना अच्छा सोचता है, उसके पीछे ना आरोप और प्रत्यारोप तो लगते हैं, लेकिन कहानी जैसे ये घड़ी जा रही है, ये जो मामला सामने आ रहा है, ये इसमें कोई भी चीज़ें जो है सत्य नहीं है। क्या आरोप लग रहे हैं पंकज गुप्ता के पीछे? देखो, आरोप ये लग रहा है कि जो वो बच्चों से काम कराता है, उनको पैसे देते हैं, उनसे बर्तन मंजवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, तो ऐसे तो कुछ है ही नहीं। नहीं, उसके साथ साथ कुछ और भी गलत हरकत की भी बात सामने आ रही है। देखो जी, गलत हरकत तो इसमें कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने बच्चे हैं ना सब उनको मामू कह के बुलाते हैं, और मामू का मतलब ये हो गया कि वो भांजी होगी। अगर मामू अगर ऐसे करेगा तो फिर रिश्ते जो हैं वो सब बेकार हो जाएंगे, फिर तो रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप कितने दिन से जुड़े हुए हो पंकज जी गुप्ता के साथ? मैं पिछले लगभग 2 साल से जुड़ा हुआ उनसे, और मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी ऐसी कोई ऐसी चीज़ हो जो जिन्होंने आरोप लगाए हैं। मैडम की क्या दोष बनी हो सकती है? देखो जी, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया ना, एक आदमी अच्छे नेक काम कर रहा है, उसके राह में रोड़े अटकाना, ये हर एक के होता है कि ये इतनी ऊंचाइयों पे कैसे जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है इनके साथ में। सारे जितने भी दुकानदार हैं सब इनके खिलाफ हैं।
कि ये इतना अच्छा काम कैसे कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, बच्चों के घर पे खाना जा रहा है, बच्चों के स्कूलों में खाना जा रहा है, टिफिन सेवा है, बुजुर्गों की सेवा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है और ऐसे मैनेज कैसे कर लेता है ये इतना। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम खड़े हैं जैकमपुरा में गवर्नमेंट स्कूल के पास में। यहाँ पे पिछले करीब एक हफ्ते से मामला चल रहा है, कुछ बच्चियों के साथ में कुछ लेके कुछ मामला चल रहा है और तो उनके अभिभावक यहाँ पे स्कूल में आए हुए हैं, तो उनसे ही पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला है सर बाबू जी ये कि लड़कियों मेरे खाना खाने उन्हें चले जाते थे। अच्छा। मेरा ये पंकज गुप्ता का ऑफिस वहाँ पे खाना बटते हैं यहाँ पे। अच्छा। वहाँ से बन के यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अच्छा। तो मैडम का कहने का मतलब ये है कि पंकज गुप्ता गलत है, तुम वहाँ गलत काम करवाते हो। कौन सी मैडम कह रही, कौन सी मैडम? सरोज मैडम। सरोज मैडम क्या प्रिंसिपल है सरोज? हाँ मैडम। अच्छा। लड़कियों से कल दबाव डाल के दो दिन से उस पे साइन कर वो लिखवा रही है कि लिखो इस पे कि पंकज गुप्ता गलत है। अच्छा। आप लिख के डालो। अब मेरी लड़कियां रोज घर पे जाके बोलती है मम्मी ऐसे ऐसे मैडम बोलती है, हम अपने कुछ तो कंप्लेंट कर सकते हैं मैडम के खिलाफ। हम अपने बच्चियों के वो इज्जत उछाले जा रहे हैं सर, हमें इंसाफ चाहिए। पंकज गुप्ता गलत नहीं है। जो बेटी है वो किस क्लास में पढ़ती है? वो छठी में है। छठी क्लास में। उम्र कितनी है? 13 साल की है। 13 साल है। तो जो उन बेटी जो उनको काम करने जाती थी क्या? नहीं नहीं काम नहीं करने जाते, ऐसे खाना वो समाज सेवा है ना, खाना खाने चले जाते थे वहाँ पे। हम टिफिन बुजुर्ग के लिए टिफिन पैक करवाते, तो आप जब माँ जाएंगे तो बच्चे को तो बच्चे तो जाते हैं माँ भी जुड़ना। इस चक्कर में मैडम बोलती है तुम बच्चन से काम करवाते हो आप। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपसे बोला कि भाई आप काम कराती बच्चों से, तो जो काम करने जो जाती थी बेटियां उनको कुछ पैसे मिलते थे? नहीं बेटियां नहीं जाते, माएं काम करती थी जैसे हम काम करते हैं। जैसे किचन में सब्जी काट दी, यहाँ पे हम ये 5 रुपए का खाना मिलता था। जैसे हम चावल डाल रहे हैं, कोई बहन दाल डाल रही है, कोई झाड़ू मार रही है, कोई पत्तल उठा रही है, सब बहने यहाँ पे सेवा। आपको पैसे मिलते थे? हमें कोई पैसा नहीं मिलता था, सिर्फ हमें 2 टाइम का खाना मिलता था। एक बात बताइए कि अभी करीब 1 हफ्ता हो गया इस बात को। 1 हफ्ता हुआ है अभी, तो इस बारे में आप लोगों की तरफ से थाने में शिकायत भी गई है? हाँ जी। कि भाई हमारी बच्चियों के साथ में गलत व्यवहार हुआ है। हाँ जी। तो वो शिकायत, गलत व्यवहार की शिकायत दी, उसके बाद में फिर वो फैसला कर लिया गया, तो वो फैसला तो अभी तक हुआ ही नहीं। तो आपने क्या शिकायत दी 1 हफ्ते पहले? हम कल भी थाने में थे क्योंकि बच्ची को 1 हफ्ते पहले जो आपने शिकायत दी थी वो शिकायत क्या थी वो बताइए आप। वो गलत वो जो मैडम ने फंसाए जा रहे हैं पंकज गुप्ता को, फंसाए जा रहा है इसमें पंकज। वो तो ठीक है फंसाया जा रहा है, मुझे ये बताओ कि जो 1 हफ्ते पहले जो शिकायत पुलिस को दी गई थी कि हमारी बच्चियों के साथ में गलत व्यवहार हुआ है, तो वो क्या मैडम ने ही बोला है? मैडम नहीं बोला, किसी ने कोई शिकायत नहीं करी, मैडम बोलती है। एक दिन मैडम अगर किचन पे चली गई या नहीं गई हमें नहीं पता, हम अपनी सेवा करके हम घर चले गए। शाम की कोई 4:45 की बात है ये, उसकी शुक्रवार की। अच्छा। हाँ शुक्रवार की ये कोई 2:30 की बात है। अच्छा 2:30 की बात थी, मैं नीचे खाना पैक करवा रही थी। मेरी गुड़िया उस दिन नहीं गई थी, बड़ी लड़की मेरी बीमार थी, तो उसको मैं दवाई दिलवाने जा रही थी। तो उसी टाइम पे ये मैडम प्रिंसिपल सर वहाँ पहुँचे वहाँ पे, तो उनको दो एक लड़की थी उसकी मम्मी ने खुद भेजा। अब उसकी मम्मी वो काम करती है स्कूल में, उसको छुट्टी नहीं मिला भी नहीं आई है, तो उस लड़की को भी ना 2-3 थप्पड़ मारी मैडम ने। अच्छा, प्रिंसिपल मैडम ने। मुझे बताइए कि जो खाना जहाँ पे रसोई पे मिलता है और जहाँ खाना बनता है, तो कहाँ वो बेटी क्या अकेली गई थी वहाँ पे? नहीं ये खुद नहीं बता, मैं वहीं पे थी उस दिन, मेरी लड़की नहीं गई थी। गई है जो पंकज गुप्ता भाई पे इल्जाम लगाया गया है कि वहाँ पे गलत व्यवहार होता है, मतलब बच्चों से बर्तन धुलवाए जाते हैं, प्लेटें धुलवाई जाती हैं, या बच्चों के मतलब बोसी, मैडम ने तो बोसी उसमें लिखी है कंप्लेंट में कि गंदे काम भी वहाँ पे होते हैं पर पंकज गुप्ता करते हैं। ठीक है, ऐसा अगर उसको कोई सुराग मिले तो हमारा यही सब बहनों का, ये जो 1 हफ्ते से खाना बंद है और भाई के साथ, मतलब भाई के पे इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है सरोज मैडम ने, तो हम सारे यही पूछ रहे हैं, शायद हमने कुछ ना देखा हो तो उसने देखा हो, तो ये बात सामने तो लाए ना, किसने बोला ये सरोज मैडम पे कोई डंडा मार के कोई उसके पीछे खड़ा होके या उससे बुलवा रहा है या करवा रहा है, तो ये बात सामने तो आनी चाहिए ना। आपने आज भी कोई शिकायत दी पुलिस में? आज भी शिकायत करी है। आज की जो शिकायत में क्या लिखा आपने? हमने शिकायत थाने नहीं दी है, मतलब यही पुलिस वाले आए थे, जब हम शोर करा चिल्लाए चीखे सरोज मैडम को बाहर निकालो बाहर निकालो, तो वो अंदर छुप गई। फिर दो लेडीजों को अंदर, मैडम है अंदर? हाँ जी, दो मैडमों को अंदर, दो हमको दोनों को अंदर लिया गया, और वो मैडम चूहे की तरह कभी इस वाले कमरे में छुप रही है कभी उस वाले कमरे में, क्योंकि चोर वो है। और उनके साथ एक जेंट्स भी था जो के कह रहा है कि पंकज गुप्ता 3,000 रुपए देके इन लेडीजों को बुलवाया, ये मतलब 300 रुपए देके
उनको लेडीजों को बुलवाया। जब मैंने उस भैया से बोला कि भाई आप गलत इल्जाम लगा रहे हो एक एक सच्चे बंदे पे जो इतने गरीब लोगों का पेट भर रहा है, ये जो झुग्गी वाले हैं, जो सड़क वाले हैं, हम भी जैसे जो किराए पे लोग रहते हैं यहाँ पे आके अपनी सेवा करते हैं लोगों का, हम अपने दो टाइम के खाने के लिए मतलब हमारी मदद में भाई खड़े रहते हैं। कोई सी बहन बीमार है या हॉस्पिटल पहुँचाना है वो भी काम वो करते हैं, हर किसी की हेल्प में। मतलब लॉकडाउन था ये, आज पूरा एक साल हो चुका है लॉकडाउन को, उन्होंने ही हमारी मदद करी, हमारी मदद किसी ने नहीं करी अभी तक। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे को जल्द से जल्द पंकज भाई के लिए जल्दी से जल्दी कोई इंसाफ मिले। और इस मैडम का नहीं, पंकज गुप्ता जो है उसके खिलाफ क्या शिकायत गई हुई है? हाँ जी, कोई शिकायत किसे मैडम ने दी है? मैडम ने दी है कि पंकज गुप्ता के वहाँ जहाँ किचन है हमारा, जहाँ खाना बनता है, सिर्फ वहाँ लेबर रहती है। और ये भी इल्जाम लगाया गया है कि वहाँ लड़कियों को मतलब छोटी छोटी लड़कियों को ले जाके कोई गलत काम होता है, मतलब कोई ओपन भी कुछ कैरी है वो, बहुत गलत गलत बोला मतलब उस मैडम ने। अब वो मैडम को कैसे पता इस बारे में? मैडम को मेरा यही तो कहना है कि फिर उससे पहले तो मैडम दो रात फिर मैडम गुजार के आई है, या तो मैडम को पूरी डिटेल लेने के लिए फिर दो दिन तो लगे होंगे वहाँ, या तो फिर बिना किसी कारण, बिना किसी के कहीं जाए आए। अब आप भी आज आए हो, आपको पता हम कैसे हैं? नहीं पता ना, आज हम आपको बता रहे हैं, आप कल को कहती कहीं भी जाओगे मतलब कहीं भी बताओगे, फिर हमारे बारे में भी लोग बताएंगे तभी पता चलेगा ना। तो वो इतने डाउट से भैया के लिए कैसे कह सकते हैं, जब उसको कोई आज से पहले तीन साल से व्यवस्था शुरू है, 3 साल में वो कभी एक बार भी गई नहीं। तो मतलब आपकी मांग ये है कि जो मैडम ने सुषमा यादव ने जो सरोज मैडम ने जो शिकायत दी है पंकज गुप्ता के खिलाफ वो गलत दी है, झूठ गलत दी है, और वो लोगों को अगुआ कर रही है, वो लोगों को उनने लोगों से शायद किसी से कोई दबाव में आके उनने किसी से पैसे भी खा लिए हैं, हमें नहीं पता। हमें इस बात का जल्द से जल्द हमें कुछ पैसा खाए, जल्दी से जल्द हमें पता चलना चाहिए। बच्चे किसके हैं वो? इनके हैं। अच्छा, हम इनके पड़ोसी हैं। तो बेटी, एक बेटी के बारे में बात चल रही है या और यही बात? हाँ, बेटी है जो के बच्चे वो मैडम ने कल से परसों से तरसों से मतलब 3 दिन बच्चों को मारा गया है, और एक ही नाम लिया गया है कि अगर तुम नहीं ऐसा करोगी ना तुम्हें स्कूल से हटा देंगे, तुम्हें स्कूल से नाम काट देंगे, तुम्हें पास नहीं होने देंगे, किसी स्कूल में ऐसा लिख दूंगी तुम्हारे जो एक स्कूल से दिया जाता है। हमने नहीं की, हम तो हमने कभी प्रिंसिपल की शक्ल ही नहीं देखी, आज तक हम इस स्कूल के अंदर गए नहीं। हम आज गए हैं पहली बार, ओनली आज पहली बार हम गए हैं, जिसमें कि मैं खुद शालू नाम है मेरा, मैं 1.5 साल से यहाँ पे सेवा कर रही हूँ पंकज गुप्ता भाई के यहाँ, मैं आज तक इस स्कूल के अंदर नहीं गई, मगर आज गुस्सा आया। मैं हम 6 दिन से ऐसे भटक रहे हैं, कभी थाने कभी यहाँ कभी वहाँ, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। मैडम पेड़ पौधा लगवाती थी, कूलर कभी सही करवाया, कभी कोई चीज करवाया, जब पंकज नहीं बताया जब सही था, जैकेट बटवा दो चाउमीन बटवा। अगर बात ये है कि जो पंकज गुप्ता के खिलाफ शिकायत जारी है मैडम की तरफ से, आप लोगों की तरफ से शिकायत नहीं गई है अभी तक, तो वो झूठी दी गई है शिकायत और पंकज गुप्ता को फंसाया जा रहा है, ठीक है ठीक है। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ के अभिभावक हैं, इकट्ठे होकर आए हैं, और इनका ये कहना है कि मैडम जो सरोज मैडम है, स्कूल की प्रिंसिपल है या मैडम है हमें पता नहीं है, पता करेंगे अभी हम, तो उनकी तरफ से पंकज गुप्ता के खिलाफ शिकायत गई हुई है कि यहाँ पे छोटी बच्चियों के साथ वो अभद्र व्यवहार उनकी तरफ से किया जाता है, जबकि ये अभिभावक सारे के सारे ये बोल रहे हैं कि हमारी बेटियों के साथ किसी ने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, ये बिल्कुल झूठा आरोप है। पंकज गुप्ता नेक इंसान है और उनको बदनाम किया जा रहा है, किसकी साजिश है ये एक जांच का विषय है, इसके ऊपर जांच जरूर होनी चाहिए। मैं प्रदीप निराला, गुड़गांव, तहलका, हरियाणा।